हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल चॉकलेट्स एंड मोर विद श्रुति। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए आपको चाहिए गोभी, ये फूल गोभी है, हरी मटर के दाने, लहसुन और मिर्चा कटा हुआ, धनिया पत्ती इसको भी बारीक काट लिया है, और इसके अलावा मसालों में मुझे चाहिए सॉल्ट, ज़ीरा, हींग, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये थोड़ा सा पाव भाजी मसाला है। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि पाव भाजी मसाले में कभी कभी नमक होता है, तो आप अपने हिसाब से सॉल्ट डाल सकते हैं। और इसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए, वो है फूड प्रोसेसर। अभी अच्छे से ग्राइंड हो गया है और अब हम इसमें मटर के दाने डालेंगे। कोशिश करिएगा कि सब्जियों में पानी की मात्रा ज्यादा ना हो, और साथ ही में इसके हम लहसुन और मिर्चा कटा हुआ भी डाल देंगे और इसको भी ग्राइंड करेंगे, और ये हल्का सा पाउडरी बन जाएगा, पाउडरी सा हो जाएगा, तब ये हो जाएगा फिनिश। ये हमारा गोभी और मटर जो है, जो मैंने ग्राइंड किया था, ऐसी कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी, जैसा नहीं है ये बहुत, और इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। अब हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है और ये गरम हो गया है, और अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। तो सबसे पहले मैं ज़ीरा डालूंगी, ज़ीरा जब अच्छे से चिटक जाए, उसके बाद हींग, अब इसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, इनको पका लेंगे अच्छे से। और अपना जो ये मैंने मिक्सचर रेडी किया है मटर और गोभी का, इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट मिला लीजिए। जब आप इसमें सॉल्ट मिलाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा गोभी और मटर जो है पानी छोड़ेगी, पानी अच्छे से सूख जाना चाहिए तो बेहतर रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊंगी, ये मैं स्टफिंग बना रही हूँ पराठे के लिए, तो इसमें नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा क्योंकि हम आटे में नमक नहीं मिलाएंगे। और अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे तेज गैस पे, तेज फ्लेम पे इसको पका लेंगे। इसमें मटर का रंग बदल गया है, गाढ़ा रंग हो गया है, गाढ़ा हरा, तो इससे हम कह सकते हैं कि मटर पक गई है, सब्जी पक गई है। अब हम इसमें मिलाएंगे अपना पाव भाजी मसाला। ये भी मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है क्योंकि ये स्टफिंग बना रहे हैं हम पराठे की, और इसके साथ हम इसमें मिला देंगे हरी धनिया। और अब देखिए ये सूख भी गया है अच्छे से, और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसका स्टफ्ड पराठा बनाएंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है चटनी बनाना, जो हम अपने स्टफ्ड पराठे के साथ खाएंगे। तो उसके लिए हमें बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। टमाटर, मैंने ये एक बड़ा और एक छोटा टमाटर लिया है। आप अपने हिसाब से जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आप बढ़ा घटा सकते हैं। मैं ये दो लोगों के हिसाब से बना रही हूँ। एक मीडियम प्याज लिया है, ये कुछ क्लोव्स ऑफ गार्लिक लिए हैं, मेरे ख्याल से 5-6 क्लोव्स हैं, दो मिर्चे लिए हैं, और इतना बड़ा पीस अदरक का लिया है, इसको मैं थोड़ा रफली काट करके और इसको भी पीस दूंगी। धनिया के पत्ते जो कि मैंने रफली काट लिए हैं, और नींबू आधा, वो मैं चटनी में अलग से ऊपर से डालूंगी जिससे कि इसमें हल्का खट्टापन आ जाए,
वो भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना खट्टा पसंद है। अगर आपके पास नींबू नहीं है उस टाइम पे, तो आप सिरका यानी कि विनेगर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सफ़ेद वाला जो ट्रांसपेरेंट विनेगर होता है वो यूज़ करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और उसके अलावा मैंने सॉल्ट लिया है, ये आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स अपनी मिक्सी में डालूँ, अपने इसमें कंटेनर में डालूँगी और इसको ग्राइंड करूँगी। मैंने ये सारे सब्ज़ियाँ जो हैं ये रफली चॉप किया है, क्योंकि मुझे इनको पीसना है, इसलिए मैं इसको बहुत ही रफली चॉप कर रही हूँ। बहुत आपको बारीकी से इसको नहीं काटना है। इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स मैं अपने मिक्सी में डाल करके और इसको ग्राइंड कर लूँगी। जो पेस्ट बनेगा उसकी सीजनिंग, सॉल्ट, खट्टापन, तीखापन, ये सब आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं आगे भी। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। ये चटनी मेरी रेडी हो गई है और मैंने इसको सीजन अच्छे से कर लिया है। बर्तन में, परात में मैंने आटा लिया है और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है। आप कोई सा भी आटा यूज़ कर सकते हो, ये तो वीट आटा है, गेहूं का आटा है। आप चाहे तो मल्टीग्रेन वाला भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीग्रेन वाला ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन रहेगा। तो अभी मैं इसको अपने आटे को बना लूँगी, अपने आटे को अच्छे से माड़ लूँगी। और बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं रखना है, पराठे का आटा थोड़ा सा ढीला होना चाहिए। और क्योंकि ये स्टफिंग वाला है तो इसको तो हमें और थोड़ा सा गीला ही रखना होगा। तो इसको अच्छे से मतलब सॉफ्ट होने तक मैंने आटा माड़ लिया है और ये इस तरह का सॉफ्ट हो गया है। ये बहुत, ये देखिए गीला है, तभी जब मैं इसको छू रही हूँ तो भी ये हाथ में चिपक जा रहा है। तो ये इस तरह का गीला होना चाहिए और इससे बनाने में, पराठा बनाने में आसानी होती आटा है। आप जब माढ़ें तो इसमें आप ये करें कि माढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें, क्योंकि इसमें जो ग्लूटेन होता है वो अपना काम करना शुरू करता है और इलास्टिसिटी आती है, इसमें खिंचाव आता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें, तुरंत ना बनाएं। तो अभी मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, थोड़ी देर छोड़ा हुआ है। थोड़ी देर के बाद फिर मैं इसको दोबारा हल्का सा माढ़ूंगी, हल्का सा नीड करूंगी और उसके बाद मैं अपना पराठे बनाना स्टार्ट करूंगी। ये गीला है इसलिए इसमें स्टफ्ड पराठा बहुत अच्छा बनेगा। और आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद जब ये सेट होने लगेगा तो ये चिपकना भी बंद कर देगा। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा ऊपर से रिफाइंड ऑयल लगा करके भी छोड़ सकते हैं। मैंने ये एक लोई लिया है आटे का और मैं इसको हाथ से साइड से पतला पतला कर लूँगी, जिससे मैं इसमें स्टफिंग भर सकूँ। यह वैसा हो गया है, मेरी स्टफिंग रेडी है। अपने हिसाब से जितना बड़ा आपने लोई लिया है आटे का, उस हिसाब से आप इसमें स्टफिंग भरेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। अब जो पतले हिस्से हैं इनको इस तरह से आपस में मिलाते जाएं, जोड़ते जाएं और इस तरह से इसको एकदम पैक कर दें, सील कर दें। अब मैं इसको ऐसे ही परथन थोड़ा सा लगा के और हाथ से ऐसे ऐसे करके पतला करती जाऊंगी बेलने से पहले। मैं बाद में बेलूंगी, पहले मैं इसको हाथ से थोड़ा सा बराबर करूंगी, जिससे कि ये स्टफिंग जो है इसके सारे कोनों में पहुँच जाए। थोड़ा सा अगर आटा फट भी जाता है या अंदर से स्टफिंग निकलने लगती है तो उसके लिए परेशान मत होइए। अब इसमें थोड़ा परथन लगा के और बेलना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से बेलेंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर फोर्स लगे कि पराठा बड़ा होता जाए। देख सकते हैं ये पतला हो गया है और इसमें स्टफिंग जो है वो पूरे में स्प्रेड हो गई है। अब मैं इसका एक्सेस परथन जो है वो हटा करके और इसको गरम तवे पे डाल दूंगी। और मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है, सेकने के लिए। तो हल्का सा एक साइड में जब पक जाएगा मेरा पराठा तब मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी। ये देखिए एक तरफ से सिक गया है, अब मैं इसमें रिफाइंड लगाऊंगी। आप चाहे तो मक्खन या घी से भी सेक सकते हैं।
पलट के देखिए, ये देखिए हल्का हल्का इसमें भी इधर की तरफ भी सिकने लगा है और इधर भी ऐसे ही हम रिफाइंड लगा के सेकेंगे। ये देखिए, और ये देखिए अपने आप फूलने लगा। ये पराठा हमारा रेडी है और ये हमने तो इसके साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।